मौका बन सकता सुनील लोहार के लिए। यहाँ पर हे गाइस, सबको जोहार एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए नूतंडी घाटशिला साइड, और इसीलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ ढाबे में, जहाँ हमेशा इस साइड खेलने आते हैं। तो हम लोग यहीं पर खाना खा लेते हैं, जो भी है घर से तो कुछ खाए नहीं रहते, सुबह सुबह निकलना रहता है। पर आज थोड़ा लेट से निकले, घर से पूरा खा के आए हैं, पर पता नहीं आज यहाँ खाना खाएंगे अभी, ताकि वहाँ जाके खाना ना पड़े, ग्राउंड में आराम से रेस्ट कर सके। और यहाँ पर अभी हम लोग करेंगे लंच का, टाइम नहीं हुआ है पर लंच करना पड़ेगा क्योंकि उधर समय नहीं मिलेगा। तो ये चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कौन कौन आया है। जल्दी जल्दी सवाद की जाँच है। ये रहा लक्ष्मण, लक्ष्मण जोहार, भीमदास, हम तो चलाते हैं बस। जोहार जोहार, और बाकी लड़के लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ खाना खाएंगे बेड में बैठ बैठ के, सो सो के। अभी हम लोग का कैप्टन लोग का एंट्री हो रहा है, सबसे बुजुर्ग प्लेयर जान ही रहे। जोहार दादा, दारुण एकदम, दाढ़ी ला कटा नहीं छो, है भी देखा छो राजू भाई। जोहार गए, जोहार गए संताल को। बाकी उधर है, खाना खा लेते हैं यहाँ पर फिर निकलेंगे। कंजमदा लोग भी आ गए। जोहार गया, जोहार देवा। तो आरोग्य लोग कोई सब बरे बरे बस लेना कोई तो बसवान नहीं क्या, सीट नहीं क्या। चलो तब जो हमको तो हुई ना, ठीक है खाना खा लिया, अभी सब गाड़ी में बैठ रहे, अरे अभी फिर यहाँ से निकले। क्या बट बस वाला बस चलाता है भाई। चलिए, किसी को बुक करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं भीम हेमराम। क्या तेरा स्टोर का क्या नाम है, तेरा दुकान का? अरे बता दे, नाम है नहीं बताएंगे भाई। नहीं बताएंगे भाई, क्या नाम रखा है रे भाई। तो चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग नूतंडी, और ये घाटशिला क्षेत्र पड़ता है, और आज 8 टीम का मैच है। कल 8 टीम का मैच हुआ है, एक टीम फाइनल उठा है, और गाइस यहाँ आज हम लोग को फाइनल उठना होगा, और पूरा कोशिश करेंगे, सारा प्लेयर हम लोग का है ही, बस तरुण नहीं है, तबीयत खराब है गाइस उसका कुछ दिनों से, इसीलिए वो नहीं आया आज। पता नहीं, देखते हैं कब ठीक होगा। रंगलाल का तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि चोट लगा हुआ है, और अभी तक रिकवर नहीं किया है, और जब तक रिकवर नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा टीम में। फिलहाल हम लोग का सभी प्लेयर है, बस वो दो ही प्लेयर नहीं है, बाकी सब कोई वही सब है। देखते हैं आज का मैच क्या हो रहा है, चलेंगे थोड़ा देखते हैं ग्राउंड, और ग्राउंड तो हम लोग उधर ही से पार हुए पर अच्छा है देखने में, चलेंगे थोड़ा भी देखते हैं ग्राउंड कैसा है। तो ये देखिए आगे में गेट भी है, आगे एकदम आगे देरी है ग्राउंड। चलेंगे थोड़ा ग्राउंड देख लेंगे कैसा है कैसा नहीं। वैसे तो आज हमको लगता है बहुत भीड़ होगा, अगर अंदर अंदर थोड़ा जंगल का बीच में है ग्राउंड, तो पार्किंग के लिए जगह सब बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है लग रहा है। फर्स्ट नंबर गेम चालू भी हो गया है, थोड़ा लेट से चालू है गाइस, और गुजू भी जा रहा है आगे आगे, और गेट में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सामने जाके देखते हैं। झारखंड स्पोर्ट्स क्लब नूतंडी बड़ा जूरी। तो बस पहुंच गया ग्राउंड, और देखिए ग्राउंड तो बहुत अच्छा लग रहा है, इधर भी एक ग्राउंड था पर यहाँ नहीं हो रहा, सिंगल उस ग्राउंड में हो रहा है, सेकंड ग्राउंड जो पहले उधर ही सारा मैच हो रहा है, पहले शायद यहाँ भी होता था, इसीलिए इधर भी ग्राउंड है। बाकी हम लोग का आधा प्लेयर यहाँ से मैच देखने के लिए आ गया है,
चारों तरफ से, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, जंगल का बीच में है। दुर्गा स्पॉटिंग बहुत अच्छा है, जगह लग रहा है। अब पता नहीं अंदर में कैसा होगा ग्राउंड पर, जब खेलेंगे तभी पता चलेगा, फिलहाल तो अच्छा ही दिख रहा है। और यहाँ पर एक अच्छा तालमेल और पुलिस मार्टी का रक्षा मनु का बहुत ही सही समय बॉल रिलीज इन्होंने किए। मौका बन सकता सुनील लोहार के लिए। यहाँ पर शानदार गोल। सुनील लोहार के द्वारा कमाल का पुलिस अपने सुनील लोहार के द्वारा कौन सा बार किस तरह का शॉट लेंगे ये देखना होगा। सामना करेंगे अपने गोल के पौधे जयसिंह सोरेन। बहुत ही खराब शहर टेबल लक्ष्मण सागर के द्वारा एक ही बार ब्याग और पखर बाद बहुत के लक्ष्मण सागर बाद काफी बड़े बड़े टीम तीन टा शॉटिंग है दूटा गोल दागन चल सुनील लहर की लेंगे बहुत अच्छी जगमापद सुनील लहर के द्वारा कमाल का शॉट कमाल। तो चलिए गाइस अभी पहुंच गए हैं घर नूतनडी फुटबॉल टूर्नामेंट से खेलने के बाद, और आज हम लोग सेमीफाइनल लॉस करके पेनल्टी में आप लोग देख लिए होंगे यूट्यूब में। और गाइस आज तो लाइव भी नहीं मैच हो पा रहा था क्योंकि आज इंटरनेट बंद किया गया था आज और कल 21 और 22 तारीख का, क्योंकि एग्ज़ाम था JSSC का CGL वाला, तो उसी के कारण इंटरनेट बंद किया गया था पूरे झारखंड में। और 3 बजे तक था आज तो बंद, तो और हम लोग का फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड लाइव नहीं कर पाया होगा, तो इसीलिए आप लोग लाइव नहीं देख पाए। और इसीलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हम लोग आज सेमीफाइनल में पेनल्टी में लॉस कर गए। फर्स्ट राउंड में तो गोल से जीते थे, सेकेंड राउंड में भी गोल से जीते थे, और थर्ड यानी कि सेमीफाइनल मैच में एक एक हुआ मैच में, और बहुत ज़्यादा टफ हुआ मैच जिसमें हम लोग पहले गोल खाए थे और बाद में हम लोग ड्रॉ किए गए, और उसके बाद पेनल्टी हुआ। पेनल्टी में हम लोग आज लक्ष्मण का बाहर हो गया, आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा, और मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर उसको टच कीजिएगा और देखिएगा कौन सा राउंड का है और कौन सा चैनल में है, कौन सा मैच चल रहा है, और उसी हिसाब से जिस चैनल से वो अपलोड किया गया है उसमें आप लोग चेक करके दूसरा मैच भी देख सकते हैं। तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा कैसा हुआ कैसा नहीं, बाकी सारा मैच अच्छा हुआ, बस सेमीफाइनल में हम लोग लॉस कर गए पेनल्टी में। और सेमीफाइनल में थोड़ा हम लोग का अभी रोक लगा हुआ है, पता नहीं कब हम लोग फाइनल जाएंगे। हालांकि हम लोग अभी प्राइज में आ ही रहे, धीरे 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 टीम वहाँ पर पहुँच रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म भी हो रहा है, और जो स्पीड था वो रिदम था वो धीरे धीरे आ रहा है। कुछ दिनों से मतलब खेले नहीं थे साथ में, शायद हो ही सकता वो जो हम लोग का स्पीड था वो दिख नहीं रहा था। बहुत लोग बोल रहे थे आप लोग स्पीड खेलिए, पर इतना जल्दी वो पकड़ में नहीं आता है, और अभी लेकिन हम लोग का धीरे धीरे आ गया है वो मैच, और अगला मैच समय भी अच्छा होने वाला है। गाइस वहाँ का जो प्राइस था, फर्स्ट प्राइस था 1.5 लाख, और सेकेंड था 1 लाख, और थर्ड फोर्थ था 50,000 जितने से हम लोग को थर्ड नंबर मिला। तो चलिए आज का तो सेमीफाइनल में लॉस कर गए पेनल्टी में। तो गाइस आप लोगों को बता दूँ कि कल भी हम लोग का मैच है गैतलसूद रांची में, जो चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस बार प्राइस मनी भी बढ़ाया गया है, 5 लाख है फर्स्ट प्राइस, और थर्ड फोर्थ का मैं कंफर्म नहीं हूँ, बता दूंगा आप लोगों को कल कब लोग में। तो चलिए कल जाएंगे हम लोग गैतलसूद, और कुछ नए प्लेयर भी ऐड हो सकते हैं, हो सकता है विवेक दा आ रहे होंगे, तो कल गुल्लू भी आने वाला है टीम में, और कुछ कुछ प्लेयर का आज चोट भी लगा है, तो हो सकता है वो ना जाए या फिर जाए भी तो प्लेइंग ना कर पाए, देखना होगा कि कल ही पता चलेगा ये सब। तो चलिए गाइस आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।